तो आ जाए। राष्ट्रव्यापी हमारे नेतृत्व ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन आज है, हमारे पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है। उसी के तहत हम इटावा में अपने कार्यालय से और यहां तक कचहरी तक जिला मुख्यालय का घेराव करने जा रहे थे। रास्ते में बड़ी अभद्र भाषा में अभद्र टिप्पणी करते हुए हमें धक्का देते हुए मैं देखिए मेरे इस पे शर्ट पर भी मेरे कुर्ते पर भी ब्लड लगा हुआ है। लोगों को चोटें मारी गई हैं, लोगों को कुचला गया है, लोगों को धक्का दिया गया है, लोगों को गिराया गया है और पुलिस ने यहाँ पर आकर के मुझे इस चौकी में आकर के बैठा लिया है। मुझे अपने वहाँ पर भी जाने नहीं दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। एक वीरांगना हुआ करती थी जो भारत सरकार में अभी इस समय मंत्री है, जब 400 रुपए का सिलेंडर हुआ होता था तो वो वीरांगना लेकर के लकड़ी लेकर के और सिलेंडर लेकर के बैठ जाती थी। आज वीरांगना है, अब वीरांगना है। आज ये स्थिति है कि 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है। डीजल पेट्रोल की कीमतें देखिए आप, उसके साथ साथ GST जो लगाई गई है, क्या दही पर GST लगनी चाहिए, क्या दूध पर GST लगनी चाहिए, मक्खन पर GST लगनी चाहिए, शहद पर GST लगनी चाहिए। इस देश ने पूरी जनता को लूटने का काम किया है। ये जो इसकी आवाज उठाएगा, जो गरीब और कुचले दबे कुचले और बेरोजगारों की आवाज उठाएगा, उसको दबाने का काम किया जाता है। ED के माध्यम से हो चाहे CBI के माध्यम से हो, उन्हें दबाने का काम किया।